गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे माय टॉपिक इज नर्सिंग असाइनमेंट। सो व्हाट इज द नर्सिंग असाइनमेंट? क्या है नर्सिंग असाइनमेंट? इट इज दैट पार्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, वेयर स्टूडेंट एरिया असाइंड विद पेशेंट एंड अदर एक्टिविटीज, ठीक है। कंसर्निंग पेशेंट इज द क्लिनिकल वार्ड एंड लेबोरेटरी वार्ड। जो हमारे नर्सिंग असाइनमेंट में क्या होता है, जो हमारे स्टूडेंट है क्या करते हैं हमारे नर्सिंग में, वो उनका असाइन होता है जो भी उनका मतलब जो लेबोरेटरी या क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स के लिए उनके जो भी असाइन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, इनका इनमें क्या होता है, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस गेन होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ उनको वहाँ पे, जैसे कि लेबोरेटरी में, क्लिनिकल ड्यूटी में, क्लिनिकल वार्ड में, ये सारा असाइन किया जाता है नर्सिंग असाइनमेंट। तो ये क्या हुआ हमारा नर्सिंग असाइनमेंट। और इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, कैरी आउट करता है जो नर्सिंग केयर है, किसके लिए, फॉर द जो पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट के लिए। और किसके अंडर में करते हैं ये सुपरविजर, ठीक है। सुपरविजन किसके होता है, जो क्लिनिकल उनकी इंस्ट्रक्टर होती है, ठीक है, जो क्लिनिकल टीचर्स होते हैं उनके सुपरविजन में ही ये क्या करते हैं, उसके अंडर अपना जो नर्सिंग असाइनमेंट है उसको शो करते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ये जो हमारा नर्सिंग असाइनमेंट है, हमारे नर्सिंग का क्या है, ब्लू प्रिंट है, ठीक है। ये ब्लू प्रिंट मैप और ब्लू प्रिंट के टाइप्स जो हमारा नर्सिंग असाइनमेंट है इसके लिए, डियर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको हम अपने फैमिली एंड कम्युनिटी, ठीक है, वहाँ पे भी हम इसके कम्युनिटी एरिया में, फैमिली एंड कम्युनिटी के बेस पे हमारा नर्सिंग असाइनमेंट होता है। तो ये हुआ हमारा नर्सिंग असाइनमेंट। इसके बाद हमारे क्या आता है, जो हम अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, किस चीज़ के इफेक्टिव असाइनमेंट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है, इसमें ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अगर न्यू क्लिनिकल एरिया में आए हैं तो उनको सबसे पहले हमको ओरिएंटेशन के लिए लेके जाना है स्टूडेंट को, ठीक है, हॉस्पिटल हो या कम्युनिटी एरिया हो। फर्स्ट दिन क्या होता है हमारा ओरिएंटेशन पीरियड होता है, ठीक है। देन सेकेंड क्या होता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन करते हैं, ठीक है, जो भी उनके क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर टीचर होते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, सुपरविजन किससे करते हैं, किसके लिए, नर्सिंग असाइनमेंट के लिए, ठीक है। देन उसमें क्या करता है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, अपने ड्यूरिंग क्लिनिकल ड्यूटी या क्लिनिकल आवर्स में अपना क्या करता है, जो उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो चीज़ वो गेन करता है और असाइनमेंट अपना क्रिएट करता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस और जो उनकी वर्किंग, ठीक है, वो एक टर्म इस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और वो उसके लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपने नर्सिंग असाइनमेंट के लिए। तो ये क्या हुआ हमारा एक क्राइटेरिया है कि उनकी जो नर्सिंग असाइनमेंट के थ्रू उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलता है हमारे किसी नर्सिंग स्टूडेंट को। देन उसके बाद हमारे क्या आता है, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज हो नर्सिंग असाइनमेंट। तो इसमें फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है हमारा, जैसे कि उनको क्या है, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है किस चीज़ के लिए, जो न्यू उनका प्रैक्टिस, ठीक है, न्यू प्रैक्टिस प्रोसीजर कहाँ पे करते हैं, इन एरिया ऑफ पेशेंट, ठीक है, हॉस्पिटल एरिया में पेशेंट के ऊपर में क्या करते हैं वो अपना जो भी उनका प्रोसीजर है वो चीज़ वहाँ पे शो करते हैं, जिससे कि उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो पेशेंट के ऊपर में डायरेक्ट अपना प्रोसीजर। कॉलेज में क्या होता है कि हम उनको डमी पे शो करके डेमोंस्ट्रेट करके दिखाते हैं, लेकिन वो जाके रियल पेशेंट के साथ में वही केयर अप्लाई करता है, ठीक है। तो इससे क्या उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और क्या होता है इसमें, जो उनका परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो उनका जो नर्सिंग स्किल्स है ये सारा चीज़ का डेवलप होगा, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के थ्रू उनका नर्सिंग स्किल्स और उनके जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि अगर उनको इफेक्टिव बनाने के लिए, अगर रियल पेशेंट में करने से अलग कॉन्फिडेंस होता है और डमी पे करने पे अलग, जो चीज़ उन्होंने डमी में किया है अगर रियल पेशेंट पे जाके अप्लाई करते हैं तो उनका जो उस चीज़ के लिए करने के लिए अगर जो उनका झिझकपन है वो क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। और वैसे ही इसके डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होते हैं, ये सूटेबल मेथड नहीं होता, पेशेंट जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेस एंजाइटी अमॉन्ग स्टूडेंट को, ठीक है, स्टूडेंट को देखते हुए वो क्या करते हैं, उसकी किसी चीज़ को अगर हम केयर करने के लिए बोले तो पेशेंट एकदम से उनको मना कर देते कि नहीं करवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या करता है, नॉन इफेक्टिव डालता है कि वो हमारे इस प्रोसीजर के लिए स्ट्रेस एंजाइटी में आने लेते हैं, वो कॉपरेट नहीं करता है, ठीक है। देन उसमें क्या होता है, जैसे कि हम सुपरविजन करते हैं, ठीक है, तो जब सुपरविजन होता है तो क्या करते हैं, जैसे कि जो पेशेंट हमारे पास में
आया, ठीक है, ऑल ऑन पेशेंट में, और वहीं पे अगर उनको सुपरविजन करने के लिए अगर नर्सिंग टीचर जाती है, ठीक है, तो उनको क्या रहता है, जो मेथड और क्लिनिकल का जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और जो फॉलोइंग होता है, वहाँ उस चीज़ को हम फॉलो करने के लिए जाएंगे तो एज अ सीआई वहाँ पे फॉलो नहीं कर सकती है, तो इस चीज़ में ये क्या करता है, अफेक्ट डालता है, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा नर्सिंग असाइनमेंट के डिसएडवांटेज। अब ऐसे ही जो हम नर्सिंग असाइनमेंट करते हैं तो हमारा मोर ऑफ सब्जेक्ट रहता है उसके, हमको अगर हम क्लिनिकल ड्यूटी में हमारा ड्यूटी अगर हुआ है तो वहाँ पे क्लिनिकल के लिए हमको अलग नर्सिंग असाइनमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है, अगर जिस वार्ड में लिए हैं तो जैसे कि हम एग्जाम्पल बताए CPCS, ठीक है, वीकली नर्सिंग केयर प्लान लोकेशन के अकॉर्डिंग हमको बनाना है, ठीक है, वन डे वीकली प्लान, वन डे केयर प्लान, ये सारे चीज़ हमको क्या करना रहता है, बनाना रहता है। क्लास में वैसे कि सेमिनार, ठीक है, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, CS CP, ये सारी चीज़ क्या हुआ हमारा एक नर्सिंग असाइनमेंट है। वेरिस्टेंस के हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट के हमारे क्या होते हैं ड्रग असाइनमेंट, जो फाइल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ड्रग असाइनमेंट होता है जिसके इंस्ट्रूमेंट OT अलग अलग क्लासेस में हमको अलग अलग क्या है हमको नर्सिंग असाइनमेंट हमको असाइन होता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा नर्सिंग असाइनमेंट कि हम हमारा जो नर्सिंग असाइनमेंट क्या होता है, इससे क्या डेवलपमेंट होता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, इनमें क्या कहते हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को वार्ड वार्ड में हम अलग अलग डिवाइड करके उनको क्या करते हैं, वार्ड में उनका ड्यूटी निकालते हैं, वो जैसे कि अगर शिफ्ट वाइज कर रहे हैं या टाइम पे कर रहे हैं तो उनको हम असाइन करते हैं अलग अलग एक पेशेंट, ठीक है, किसी भी वार्ड में जाने से वो अपने पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अलग पेशेंट को डिजीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो केयर प्लान बनाते हैं, ठीक है, और केयर प्लान बना के देने से जो उनको पेशेंट को जो नीड है वो चीज़ केयर उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है जो पेशेंट है उसका स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज और न्यू प्रोसीजर केयर, ये सारी चीज़ करने को मिलता है, और इन्हें जो स्टूडेंट है उसके नॉलेज में, ठीक है, मॉडिफाई होता है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ क्या होता है जो हमारे एक नर्सिंग असाइनमेंट है क्या है हमारा मैप और ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, हमारे स्टूडेंट के लिए किस चीज़ में हमारी नर्सिंग पढ़ में, ठीक है, तो ये हुआ हमारा नर्सिंग असाइनमेंट।